मैं आ रहा था, मैं सिरोही से आ रहा था दिल्ली के लिए, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकवाने के बाद उन लोगों ने जस्ट आगे मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई और जस्ट मतलब मुझसे उन्होंने पूछा, मतलब मैं ड्राइव निकल कर रहा था और उन्होंने जस्ट सडनली मुझसे पूछा कि नहीं तुम्हारी गाड़ी पे फाइनेंस है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने पेपर निकालो, ये करो वो करो, गन थी उनके पास, एक बंदे ने मुझे गन दिखाई और मुझे बोला कि बैठो, तुम्हारी गाड़ी का मेरे पास नंबर आया है और इस पर ऑफिस चलना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सा ऑफिस है? बोलते यहाँ आगे हमारा ऑफिस है। तो दो बंदे ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठे, उन लोगों ने गाड़ी बढ़ाई, उन दोनों ने भी गन जेब में रख रखी थी, एक बंदे ने लेकिन दिखा दी। फिर उन्होंने आगे अपनी फोर्ड आइकॉन गाड़ी ली जो उनके पास थी और ये चलने लगे एक रॉन्ग साइड लेकर ये जंगल वाले रास्ते पर ले जाने लगे। तब मैंने अपोज़ किया और वो मोटा जो बंदा बैठा था उसे बोला, मैंने कहा गाड़ी रोक। उसने गाड़ी स्लो करी, मैं चलती गाड़ी में उतरा, आगे वाली गाड़ी रुकी, उसमें से बंदा निकल के आता, बोलता गाड़ी में बैठ। मैंने कहा नहीं बैठूंगा, तू थाने लेकर चल। मैंने कहा मुझे डाउट है, मैंने कहा आप थाने लेकर चलो, जो बात होगी थाने पे होगी। उसने बंदूक निकाली, लोड करी, बोलता गाड़ी में बैठ रहा नहीं बैठ रहा। मैंने कहा नहीं बैठ रहा। तो उसने मुझे फायर कर दिया। फायर करने के बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से भागा। निखिल पीछे ही बैठा था, निखिल से झुमा झटकी कर रहे थे वो लोग। मैं वहाँ से सीधा आगे निकला। आगे निकलने के बाद मैं वहाँ से सीधा रोड क्रॉस करके और मैं ट्रक के पीछे जाकर और देखा। फिर ये वापस से थोड़ी देर उसको छोड़ के रिटर्न आए, मैं कोई नहीं दिखा वहाँ पे। फिर ये कैश वगैरह तो इतना नहीं, मेरा पर्स है, मेरे लैपटॉप से, मेरी हार्ड डिस्क वगैरह, मेरा पूरा डेटा है, मेरे कपड़े वगैरह पूरे सामान है। वो निखिल हैं, वो भी थाने पे मुका है, वारदात पे गए हैं। कितने लोग थे वो? वो पाँच लोग थे। सबके पास गन थी? तीन लोगों के पास गन थी, एक ने तो गन चलाई भी है। कौन सी गाड़ी थी? फोर्ड आइकॉन। और आपकी गाड़ी? डस्टर, रेनॉल्ट डस्टर। लेके चले गए? हाँ लेके चले गए। आपका नाम? योगेश। कहाँ के रहने? मैं नोएडा। क्या करते हो? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर। कहाँ पे? ये स्वरूपगंज अपना सिरोही। JMD Enterprises। बेसिकली नोएडा क्षेत्र के रहने वाले दो युवक हैं जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सिरोही से नोएडा वापस जा रहे थे, तो रामगंज थाना इलाके में पीछे से एक गाड़ी आई, उसमें चार पांच लोग सवार थे जिन्होंने इनकी गाड़ी को रोककर इनको नीचे उतारा। तो जो योगेश भागने की कोशिश की तो फायरिंग करी, तो उनकी जांग में गोली लगी। एडमिट हैं अभी, हालत ठीक है। सुनिए, और इनकी जो गाड़ी थी डस्टर उसको लूट के ले गए। नहीं, गाड़ी में कोई कैश वगैरह नहीं था। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, बस वही था। इन्वेस्टिगेशन तो काफ़ी टीमें एक साथ लगी हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं एक बार आइडेंटिफाई हो जाए कि घटनाक्रम किसने किया है। चार से पांच लोग बता रहे हैं।